मेरी प्यारी बहनें, आप कैसी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, अभी हाँ अभी प्रभु के चरणों में आओ, उन्हें सच्चे दिल से पुकारो, वो आपकी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हमें आश्वासन देता है, हिम्मत और बल देता है। पुराने नियम में भजन संहिता की पुस्तक के अध्याय 102 और 70वें पद में हमें यूं कहा गया है कि वलाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हाँ मेरे सुनने वाले सभी भाई बहन और युवाओं, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। अभी आप शायद दुख भोग रहे होंगे, परंतु आप एक दिन अवश्य यीशु मसीह के गवाह बन पाओगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया है, वह आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्रकार की बीमारियों से चंगाई पा सकते हो। आपको प्रभु के जीवित वचनों को याद करते रहना है और उन्हें मन में बोलते रहना है, और यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मुझे अवश्य चंगा करेगा। पुराने नियम की यशाया नामक पुस्तक के 53वें अध्याय के 4 और 5 पदों को इस तरह से अंगीकार करो। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप अवश्य जान लो कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप, अपराध और सारे रोगों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी के क्रूस पर हंसते हंसते अपनी जान दे दी, ताकि हम सब लोग बच जाएं, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल जाए और हमें अनंत जीवन मिले। वह मृत्यु से फिर से जी उठा है और अब हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। रोमियो की पत्री के 10वें अध्याय के 9वें वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में, समग्र मानव जाति के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बारे में और सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा के बारे में बताती है। आपको हर रोज बाइबल पढ़ना है, हर वक्त प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे सहभागिता करना है, तब आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़ी गहराई से जानने का और अनुभव करने का मौका मिलेगा। सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को आप जान सको, इसी उद्देश्य के साथ मैंने बाइबल से कई वचनों को और सत्य घटनाओं को आपके सामने रखी है, ताकि आप भली भांति जान सको कि प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देता है, वह हमारी रक्षा करता है, वह हमें सब रोगों से चंगा करता है और हमें अनंत जीवन भी देता है, वह हमारा उद्धार करता है, वही हमारे जीवन का सच्चा साथी, सच्चा मित्र है, वही जिंदा खुदा है, वो फिर से आने वाला है और मुझे अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, यह मेरा विश्वास है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो कि वह आपका उद्धार करता है, तो यह आपका सही निर्णय है, परंतु आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज ही जाना है या अभी अभी जान रहे हो, तो मेरे साथ आपको यह प्रार्थना करना आवश्यक है। मेरे साथ साथ आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे मुक्तिदाता हो, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं, मैं मेरे पापों को मान लेता हूं और आपसे पापों की माफी मांगता हूं, मैं यह विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों की खातिर मरे और तीसरे दिन फिर से मृत्यु से जी उठे और आज पवित्र आत्मा के रूप में मेरे साथ निवास करते हो। आप इस संसार में
फिर से आने वाले हो और मुझे भी अपने साथ स्वर्ग में ले जाओगे, यह मैं विश्वास करता हूँ। मैंने आपको जान लिया है, अब मैं दूसरों को आपके बारे में गवाही दूंगा। मेरे पापों से मुझे क्षमा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।